इधर गुजरात की ऊना में सोमवार को हुई दलितों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया है। सोमवार शाम ऊना में सामतेर गांव के पास 20 दलितों पर भीड़ ने हमला किया था। हमले में 8 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को भावनगर और राजूला के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले का शिकार हुए सभी दलित सोमवार को ऊना में हुए दलित महासम्मेलन और विरोध प्रदर्शन रैली में हिस्सा लेने के बाद अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान सामतेर गांव के पास भीड़ ने हमला किया। पीड़ितों के मुताबिक हमला करने वाले सभी लोग सामतेर गांव के पास के रहने वाले थे और वो लोग पिछले महीने ऊना में हुई दलितों की पिटाई के मामले में गिरफ्तार 12 लोगों का बदला लेना चाहते थे। 11 जुलाई के ऊना दलित पिटाई कांड में गिरफ्तार 30 लोगों में से 12 लोग सामतेर गांव के रहने वाले हैं। तो एक महीने के अंदर दलितों पर हमले की दो दो वारदातों के बाद गुजरात सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। विपक्षी दलों का कहना है कि गुजरात में कानून व्यवस्था का हाल ठीक नहीं है। शांतिपूर्ण मार्च निकाला, वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हो गया। घर वापिस लौटते हुए ऐसे असामाजिक तत्व जो गोरक्षक नाम से हैं या जिसके नाम से भी हैं, वो हमला करते हैं उनके पास। नियते शांति प्रिय लोगों के खिलाफ के विरुद्ध हमला करते हैं और पुलिस उसमें मूक दर्शक रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और राज्य सरकार मुख्यमंत्री बदलने से क्या होता है, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए, वहां प्रशासन की मानसिकता बदलनी चाहिए। ये लड़ाई अब दलित अस्मितता की है। ये लड़ाई जब तक समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक जो मूलभूत जो उनकी मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं होगा, ये चलता रहेगा। दलित प्रोटेस्ट चल रहे हैं गुजरात में, उस स्केल पर अब तक नहीं हुआ है और एक चुनौती है बीजेपी और आरएसएस को, जिन्होंने दलितों की मानहानि ही नहीं उत्पीड़न भी सहन किया है। अब आज अगर रोड ब्लॉक है तो क्या बीजेपी आरएसएस अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार है कि केवल राजनीतिक कारणों से दलित के समर्थन में वक्तव्य देती है? आप ऊना में पूछ लीजिए, जो दलित समाज है वो आपको इसका जवाब दे देगा कि बीजेपी के कथनी और करनी में क्या अंतर है इन मामलों पर। तो दलितों पर हुए इस हमले के बाद बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने केंद्र और गुजरात सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया है। ऐसे जुल्म और अन्याय हुआ ऊना के अंदर, उसके बाद उन्होंने अपना प्रतिकार लोकतांत्रिक ढंग से किया था। आज हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद कि वो अपनी बात मांग उठा रहे हैं, उन पर फिर दमन और अत्याचार हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि गुजरात की मौजूदा सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों के और मुस्लिम्स के प्रश्नों पर बहुत ही संवेदनहीन है। तो आप बता रहे हैं कि गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना शहर में एक प्रदर्शन रैली में शामिल होने के बाद ये सभी लोग वापस आ रहे थे। 20 दलितों का ये समूह जो समतर गांव के पास भीड़ ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में 8 दलित गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी की पूरी घटना कल शाम 5 बजे की है। हालांकि पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का लाठीचार्ज किया, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन पीड़ितों का दावा है कि पुलिस ने उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। पीड़ितों का ये भी दावा है कि हमलावर समतर गांव के निवासी हैं। वो लोग पिछले महीने ऊना में दलितों की पिटाई करने की घटना को लेकर गिरफ्तार हुए 12 लोगों का बदला लेना चाहते थे।